हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राहुल, सुशील, अशोक, फैजल खान, अभिषेक, निधि, मनदीप, अभिषेक, सुशील, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग. मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. और आज हम बात करेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को, साथ ही साथ हम एमसीक्यू को और स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करेंगे. वीडियो को अंत तक आपको देखना है क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा. हालांकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोग उसका सही आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर देते हैं. तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट डेज के साथ. अच्छा, इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करने से पहले एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे. साथ ही साथ देखिएगा, ताहिर सर ने आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड कराई है. उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे क्लास ओवर होने के बाद तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी. तो इसलिए पीडीएफ के लिए कोई भी नहीं बातें करेगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी. आपको लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप महिंद्रा का ORG है, .org, उस पर आप सर्च करेंगे, एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, उसके ज़रिए आप हमारा कोई भी बैच ले सकते हैं. तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ. सबसे पहले हम बात करेंगे 1 अप्रैल की, और 1 अप्रैल को आपने उड़ीसा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था जिसको हम उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं, राइट. 2 अप्रैल को आपने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया. साथ ही साथ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या थी, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड. 4 अप्रैल को आपने इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या थी, प्रिजर्वेंस पार्टनरशिप एंड द प्रोग्रेस, दृढ़ता, भागीदारी और प्रगति. देखिएगा, पूरे अप्रैल महीना हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. आज 27 अप्रैल हो गई और कुछ दिन ही अप्रैल महीने को खत्म होने में रह गए हैं. जैसे ही अप्रैल मंथ हमारा खत्म होता है तो पूरे अप्रैल महीने के जो भी इसका एकदम निचोड़ होगा, जैसे कि कोई फ्रूट होता है उसका जूस निकालते हैं, वैसे ही अप्रैल महीने का जो भी पूरा एनालिसिस होगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, हम एक साथ उनको डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल लास्ट में. अच्छा, 5 अप्रैल को आपने नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम क्या थी, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड द कोविड-19. 7 अप्रैल को आपने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड. 10 अप्रैल को आपने वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया था. होम्योपैथी रोड मैप फॉर द इंटीग्रेटिव मेडिसिन इसकी थीम थी. 11 अप्रैल को आपने नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया था कस्तूरबा गांधी की याद में. कस्तूरबा गांधी जो है वो महात्मा गांधी की वाइफ थी. कीप मदर्स एंड द न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस इसकी थीम थी. 12 अप्रैल को आपने इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी देखा. अच्छा, कोरोना वायरस के लिए अगर हम बात करें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, तो तूतीकोरन जो प्लांट है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि तूतीकोरन प्लांट में गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करने के लिए. 13 अप्रैल को आपने इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑब्जर्व किया था. 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती थी. साथ ही साथ वर्ल्ड चगास डिजीज डे था. 15 अप्रैल को आपका वर्ल्ड आर्ट डे था, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल राहुल कुमार जी. 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे डे सेलिब्रेट किया. साथ ही साथ वर्ल्ड वॉइस डे भी था जिसकी थीम थी वन वर्ल्ड एंड मैनी वॉइसेस. इंडियन रेलवे ने जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की है ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए. अगली बात करेंगे, 17 अप्रैल की वर्ल्ड हीमोफीलिया डे था जिसकी थीम थी अडॉप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन द न्यू वर्ल्ड. 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये इंपॉर्टेंट डे है, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड द डाइवर्स फ्यूचर. 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया. 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया. साथ ही साथ वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी सेलिब्रेट किया. 22 अप्रैल ये दिन इंपॉर्टेंट है, हमने वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम थी रीस्टोर आर अर्थ. चलिए, 23 अप्रैल को बात करेंगे, वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया. 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेट किया था, ये दिन भी इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ 25 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या थी, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट. 26 अप्रैल को आपने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया और भारत की रैंकिंग भी देखी. 40th नंबर पर भारत की रैंकिंग थी जिसकी थीम क्या थी, IP एंड SME, टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट. 27 अप्रैल मतलब आज का दिन, तो आज का दिन देखिए वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड द हेल्थ एट वर्क, ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं. ये यूनाइटेड नेशन की जो सब्सिडरी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल जो है इस दिन को 27 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड द हेल्थ एट वर्क के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम श्रमिक दिवस या लेबर डे की बात करें तो फर्स्ट मई को हम लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट मई को आपका गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या थी? एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड द रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन द रीसाइलेंट ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड द हेल्थ सिस्टम। तो इसको याद रखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जल्दी से कमेंट कर दो ILO का हेड ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल निधि गुप्ता जी, PDF में सब कुछ रहता है। हाँ बिल्कुल, आज 28 अप्रैल है। ILO जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। 27 अप्रैल, हाँ आज 28 अप्रैल है। ठीक है, आज 28 अप्रैल है। 27 अप्रैल को मतलब कल हमने जो सेलिब्रेट किया और उसकी थीम भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। विजय अमृत राज, विजय अमृत राज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? विजय अमृत राज का संबंध किस खेल से है? अमोल जी कह रहे हैं 1 जनवरी 1995 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ILO की स्थापना की गई थी। तो इस आंसर था इसमें क्या आपका, देखिए चार ऑप्शन थे, कबड्डी, क्रिकेट, गोल्फ या टेनिस। तो सभी ने सही आंसर दिया कि विजय अमृत राज जो थे उनका संबंध टेनिस से था। आइए अब उन लोगों के नाम देखते हैं जिन लोगों ने बिल्कुल सही सही आंसर हमें किया है। सबसे पहले सगार्तिका जी, बिल्कुल विजय अमृत राज जो है वो रिटायर्ड टेनिस प्लेयर है। ठीक है, ये कॉमेंटेटर भी थे, एक एक्टर के रूप में भी काम करते थे, मद्रास से संबंधित थे। साथ ही साथ इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1983 में। और इन्होंने लिखा है कि टेनिस जो है वो नेशनल गेम है हमारे USA का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मीनाक्षी का आंसर सही है, मनदीप मंडल, मनमीत प्रसाद जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, अक्षत शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर है, मधुमय मंडल बिल्कुल, देखिए इनका जन्म जो है वो 14 दिसंबर 1953 को हुआ था, मद्रास से संबंधित है। निशांत बिल्कुल सही आंसर है, दीप्ति सिन्हा, मनप्रीत कौर, प्रज्ञा, महेश राय, अमीशा, नितिन, बिल्कुल नितिन जी एकदम अच्छा लगा हिंदी में देखने मिला बहुत दिनों बाद कुछ, आदर्शा राउत, पूजा, बिट्टू कुमार, विशाल, वैभव, पलक, दीपक और खुशी कुमार। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही था, इनका संबंध जो है वो टेनिस से है। चलिएगा इसी प्रकार का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सेशन के अंत में आपको मिलेगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनके नाम इस तरीके से शामिल किए जाएंगे। बहुत सारे आंसर हैं, आप लोग भी देखते हैं, सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, सबका नाम इकट्ठा पॉसिबल नहीं होता, तो किसी का नाम रह जाए तो नाराज होने वाली बात नहीं है। तो आओ स्टार्ट करेंगे अब MCQ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। क्या नाम है निधि जी? मनी दीपा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है सभी को। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, एक बार लिंक को शेयर भी कर देंगे, जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। और लाइक बटन पे क्लिक करने में क्या ही जाता है, एक मिनट लगता है, एक सेकेंड लगता है एक्चुअली, कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द RBI, वॉट इज द कैप इम्पोज ऑन द टेन्योर दैट इज इनक्यूबमेंट MD एंड द CEO और द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव कैन हैव। RBI द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार जो निजी बैंक के वर्तमान MD और CEO हैं या फिर पूर्णकालिक निदेशक हैं, उनका कार्यकाल पर क्या कैप लगाई जा रही है? 12 साल की, 15 साल की, 10 साल की या फिर 20 साल की। साथ ही साथ आप लोग ने अगर न्यूज़ में देखा होगा तो इनका जो समय सीमा या इनका जो टेन्योर है, इनकी एज, अपर एज लिमिट है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अपर एज लिमिट कितनी कर दी गई है? 70 ईयर्स कर दी गई है, 70 साल लग कर दी गई है। और बिल्कुल सही आंसर आ गया है 15 ईयर्स, वेरी गुड। 15 साल बिल्कुल सही आंसर है। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, RBI के द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा मैं हाइड हो जाती हूँ। RBI कैप टेन्योर ऑफ द प्राइवेट बैंक MD एंड द CEO एट द 15 ईयर्स। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के, उनका जो कैप है, मतलब उनका जो टेन्योर की समय सीमा है, वो 15 साल कर दी गई है।
साथ ही साथ इनकी जो एज लिमिट है वो भी अपर एज लिमिट को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 70 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो सारी चीज़ें हैं वो होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए भी, और हमारे जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए ये लिमिट 12 साल की गई है। अच्छा, ये सब चीज़ें कब से अप्लाई की जाएंगी, तो 1 अक्टूबर 2021 से ये सारी चीज़ें इम्पोज कर दी जाएंगी। तो इस बात को याद रखना है अपकमिंग एग्ज़ाम में। वंदना गुप्ता जी, PDF डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अगर लिंक नहीं मिल रही है आपको तो महिंद्रा गुरु आप देखेंगे, हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है महिंद्रा गुरु पे आप देखेंगे तो वो भी आपको PDF सारी मिल जाएंगी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णमूर्ति संथाननम हु हैज़ डाइड रिसेंटली वॉज ब्लैंक बाय द प्रोफेशन। कृष्णमूर्ति संथानम जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस पेशे से रिलेटेड है? अर्थ साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, या कम्युनिकेशन साइंटिस्ट है? तो इतनी बात तो क्लियर हो गई है, जो कृष्णमूर्ति संथानम है वो एक साइंटिस्ट है, मतलब एक वैज्ञानिक है। अब किस फील्ड के वैज्ञानिक है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके राहुल कुमार जी, हाँ इस प्रश्न का आंसर करें, केशव कह रहे हैं ऑप्शन सी, राहुल कह रहे हैं ऑप्शन सी, हितेश कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आनंद, राहुल आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। पूजा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है कृष्णमूर्ति संथानम, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बी नहीं बेटा अभिषेक, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये प्रसिद्ध इंडियन साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है कृष्णमूर्ति संथानम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, जो हमारा देखो दो बार पोखरण टेस्ट हुआ है, एक बार 1974 में पोखरण का टेस्ट हुआ था जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी स्माइलिंग बुद्धा नाम से, और दूसरा जो हमारा पोखरण टेस्ट हुआ था वो 1998 में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, मिशन शक्ति या ऑपरेशन शक्ति जिसको हम बोलते हैं। तो 1998 में जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, उसके डायरेक्टर जो थे वो आपके थे कृष्णमूर्ति संथानम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही साथ इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हमारा सिविलियन अवार्ड है। 1999 मतलब 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये DRDO के साथ भी जुड़े हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ भी जुड़े हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ द डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के साथ भी इनका नाम जोड़ा जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, क्योंकि पोखरण टेस्ट ही हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो कृष्णमूर्ति संथानम का नाम याद रखेंगे। बिल्कुल स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण टेस्ट क्या है, हितेश यादव जी कह रहे हैं, तो एक न्यूक्लियर टेस्ट है जो भारत के द्वारा किया गया था 1974 में एक बार, और दूसरी बार 1998 में राजस्थान के पोखरण में। एक बार इंदिरा गांधी का समय था, दूसरा बार अटल बिहारी वाजपेयी का समय था। इंदिरा गांधी के समय इसको स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था, और मिशन ऑपरेशन शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कोड नेम रखा गया था। अगली बात करते हैं, राजन मिश्रा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनोन। देखिएगा, राजन मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध क्या थे? सुप्रभात विनीत मिश्रा जी, चलो इस प्रश्न का आंसर कर दो। एक हिस्टोरियन थे, इंडियन क्लासिकल सिंगर थे, आर्किटेक्ट थे, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। गुड मॉर्निंग सत्यम मिश्रा जी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। लिंक को यार एक बार शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी करेंट अफेयर्स SSC। देखिएगा इस बार SSC CHSL का पेपर किसी ने दिया है क्या? यहाँ पे हर सेट में 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर्स के आए, मतलब करेंट अफेयर्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ज़रा खुद सोच के देखिए, आगे से जो हमारी NRA संस्था है वो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और NRA जो है वो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग के लिए पेपर बनाएगी या रेलवे के लिए, SSC के लिए, वो सबके लिए पेपर बनाएगी, है ना। तो आपका सब में करेंट अफेयर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आप करेंट अफेयर्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो बॉर्ड मास का रूल बनता होगा, आपको जो सीरीज बनती होगी, ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन बनता होगा, वो बगल पड़ोसी को भी बन रहा होगा। लेकिन करेंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है और आपको अगर याद है चीज़ें, तो आप एक बार भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुक्का नहीं लगता, ठीक है। तो राजन मिश्रा बिल्कुल एक क्लासिकल सिंगर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरी गुड,
तो देखेंगे हम राजन मिश्रा के बारे में। तो राजन मिश्रा जो कि बनारस घराने से संबंधित है, एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, म्यूजिशियन है, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये ख्याल घराने या ख्याल स्टाइल से क्लासिकल म्यूजिक करते हैं, साथ ही साथ इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2007 में। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तानसेन सम्मान, ये बड़े बड़े सम्मान भी जो हैं वो राजन पंडित राजन मिश्रा को दिए गए हैं। अगला देख लेते हैं, इंडियन एग्जीक्यूटिव जगदीश खट्टर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर MD ऑफ विच कंपनी। जगदीश खट्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया है कार्डिक अरेस्ट के कारण, कल की न्यूज़ में मैंने आपको डिस्कस भी किया था, वो किस कंपनी के फार्मर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते थे, मारुति सुजुकी, ONGC, बाटा या फिर HDFC बैंक। निधि जी पोस्टपोन हुआ है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी एग्जाम भी होंगे जैसे ही सब कुछ ठीक होगा। अब क्या ही करें, अब ये सब ट्राइब्यूट्स भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो हम स्किप नहीं कर सकते। आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए और सब कहीं आजकल यही सब चल रहा है। मैंने कल इंडियन एक्सप्रेस को ओपन किया तो इतने सारे डेथ न्यूज़ थे उसमें, मैंने सब कुछ स्किप कर दिया, गिनती के दो न्यूज़ को ही मैंने वहाँ से चुराया, मतलब लिया, ठीक है। तो अब क्या ही करें, यही चल रहा है मार्केट में। तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। मीनाक्षी, निधि, सुशील, रिंकी, अंशिका, ममित प्रसाद जी, मनमीत प्रसाद, कविता, बिल्कुल सही आंसर है मारुति सुजुकी। चलो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमको ट्रिब्यूट याद रखना है, जिनका नाम देखिएगा अरुण चौधरी, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अरुण चौधरी जो कि फार्मर चीफ थे SSB के, सशस्त्र सीमा बल SSB, तो SSB के फार्मर चीफ अरुण चौधरी, इनका भी निधन हो गया ड्यू टू कोविड एट द एज ऑफ 66 ओनली। तो फार्मर SSB सशस्त्र सीमा बल के जो चीफ थे अरुण चौधरी, जो कि 1977 बैच के IPS ऑफिसर थे बिहार काडरे से, इनका भी जो है वो निधन हो गया है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB के रूप में काम कर रहे थे दिसंबर 2012 से और इनका रिटायरमेंट कब हुआ, 2014 में। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, अरुण चौधरी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू विनीत मिश्रा, थैंक यू सो मच। चलिए हाँ राहुल जी, अब इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू से चोरी करनी पड़ती है कई बार न्यूज़, क्योंकि अब कहाँ से हम न्यूज़ लाएंगे, क्योंकि आज तक NDTV इस तरीके की न्यूज़ देखो तो सिर्फ एक ही बातें करते हैं, या तो पश्चिम बंगाल चल रहा होता है या तो केजरीवाल चल रहा होता है। अगली बात करेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड 10 लाख टैप वाटर कनेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की घोषणा की है, हर घर जल कनेक्शन, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। चलो आंसर करो। मलय तिवारी जी, देखिए हर चीज़ याद नहीं करनी होती मलय जी, अगर आपको एक बार याद है कि अरुण नाम का कोई व्यक्ति था जो SSB का फार्मर डायरेक्टर था, निधन हो गया, आपने पढ़ लिया, अब जब MCQ आप सॉल्व करोगे ना तो वो नाम जब दिखेगा ना तो अपने आप चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो हर एक नाम याद करना ज़रूरी नहीं होता, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर पता कर लोगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मध्य प्रदेश सही आंसर नहीं है, मध्य प्रदेश सही आंसर नहीं है, मध्य प्रदेश ने पंख स्कीम लॉन्च की थी ये बात सही है। गुजरात बिल्कुल सही आंसर है, गुजरात ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, गुजरात बिल्कुल सही आंसर है। गुजरात ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक 10 लाख जल कनेक्शन देने की घोषणा की है। अगला है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी हैज़ लोवर्ड इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर द 2021 टू हाउ मच। तो देखिएगा हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी के द्वारा भारत की GDP अनुमानित जो GDP है उसको कम कर दिया गया है। कितना कम कर दिया है, 9%, 8.7%, 9.5% या 10.2%। चलो आंसर करेंगे, चलो आंसर करेंगे। गुड मॉर्निंग सूरज यादव जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, और सही आंसर हो जाएगा 10.2%। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ को कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया, पहला कितना अनुमान था, तो पहला इसने कहा था कि 11.8% रहेगी, लेकिन अभी जो भी पैंडेमिक का क्राइसिस आया हमारे यहाँ पे, या फिर गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग थी यहाँ पर फेल हो गई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम आने लगी, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी ने वापस से भारत की GDP को फॉरकास्ट किया। तो 11.8 की जगह अब कितनी बोल दी इसने, 10.2 कर दी है, ठीक है। चलो बिल्कुल सही आंसर है, विकास, सत्यम,
सौरभ भारती गुड मॉर्निंग. अगला प्रश्न देख लेते हैं. जस्टिस राजेश बिंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट. राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है. तो देखिए, अगर भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं, भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है. तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राजेश बिंदल किस हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा या दिल्ली. अब यहाँ पे अगर हम दिल्ली यूनियन टेरिटरी की बात करें या जम्मू यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इनका अपना हाई कोर्ट है. इसके अलावा दूसरी जो सारी टेरिटरीज़ हैं उनके अपने हाई कोर्ट नहीं है. जैसे कि अगर पौंडीचेरी का कोई केस होता है तो मद्रास हाई कोर्ट उसको सुलटा लेता है. वैसे ही अगर गोवा का दादर नगर हवेली का कोई केस आता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाता है. अंडमान निकोबार का कोई केस होता है तो वो कलकत्ता, जो हमारा कलकत्ता का हाई कोर्ट है, उसके द्वारा देखा जाता है. बाकी पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट हैं उसके द्वारा जो है वो चंडीगढ़ का मामला देखा जाता है, ठीक है. लक्षद्वीप के जो केसेस होते हैं वो केरला हाई कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं. बाकी दिल्ली और जम्मू अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके अपने हाई कोर्ट्स हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा. तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, बिल्कुल वेरी गुड. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा. आनंद राहुल वेरी गुड, ठीक है. तो कलकत्ता बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी. अगला है, दिल्ली गवर्नमेंट इज इम्पोर्टिंग 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट फ्रॉम विच नेशन. दिल्ली सरकार ने हाल ही में 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट को आयात करने की घोषणा की है. किस देश से वो आयात करेगा, इम्पोर्ट करेगा? UAE, सिंगापुर, फ्रांस या फिर UK? गुड मॉर्निंग गौतम, बात क्लियर है? मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट जो है वो आपके अंडमान एंड निकोबार के भी केसेस को देखेगा. समझ में आया ना इतना? चलो, तो दिल्ली सरकार ने किस राष्ट्र से 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट लेने की घोषणा की है? सुप्रभात रविंद्र जी, जम्मू का अपना हाई कोर्ट है, SSC मेकर, बिल्कुल. विनीत कह रहे हैं सिंगापुर से लिया, अभिषेक कह रहे हैं फ्रांस से लिया है. अच्छा, वरुण अभ्यास कहाँ हुआ था? अभी अरेबियन सी में वरुण अभ्यास चल रहा था ना, 25th से लेकर 27 अप्रैल तक वरुण अभ्यास जो है अरेबियन सी में चल रहा था. किन दो देशों के बीच में चल रहा था? तो भारत और फ्रांस के बीच में चल रहा था. तो भारत और फ्रांस, वरुण अभ्यास और फ्रांस से ही जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट को लेने की घोषणा की है. तो इसको इस तरीके से याद रख लो तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस. फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी. और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है. अगली बात कर लेंगे यहाँ पे, विच नेशन प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर. दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने की घोषणा किस राष्ट्र ने की है? USA, जर्मनी, UK या फिर चाइना? चलो आंसर करेंगे. चलिए तो मैं आपको हिंट कर देती हूँ, यहाँ पर टेम्स नदी बहती है, यहाँ पर टेम्स नदी भी बहती है, ग्रीनविच वेधशाला भी यहाँ पर है, GMT लाइन भी यहाँ से निकलती है, और 0 डिग्री जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो भी हमने यहाँ से लिया है, और वहीं पे हमारी सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर की वेदर एंड क्लाइमेट चेंज फॉरकास्टर जो वेधशाला है या प्रयोगशाला है वो सेटअप की जाएगी. अब आंसर कर देंगे तो सही आंसर, अरे बी कैसे हो गया, जर्मनी थोड़ी ना आंसर होगा. सही आंसर क्या हो जाएगा? UK, यूनाइटेड किंगडम. और यहीं पे तो लंदन है, और लंदन ही तो है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है. सही आंसर है UK. बात है समझ में आई? UK इज़ द राइट आंसर. यहीं से तो 0 डिग्री निकलती है, यहीं से GMT लाइन निकलती है, इंटरनेशनल टाइम लाइन इसे कहते हैं. अगला प्रश्न हो जाएगा, वॉट इज़ द नेम ऑफ द चाइना फर्स्ट मार्स रोवर. चाइना के पहले मंगल रोवर का नाम क्या है? ऑप्शंस दिख रहे हैं, शिडांग, ज्यूरोंग, जिंग और ह्यूकिंग, हाउकिंग. चलो, क्या नाम है यहाँ पर मार्स के, चाइना के फर्स्ट मार्स रोवर का? अच्छा, मार्स जो है वो हमारा रेड प्लेनेट कहलाता है, लाल ग्रह इसको कहते हैं. रीज़न है, ये है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है इसलिए हमें लाल रंग का दिखाई देता है. अब मार्स का जो है वो दो सैटेलाइट है, दो उपग्रह हैं. कौन कौन से हैं? डीमोस और फेबोस. तो डीमोस और फेबोस दो ही उपग्रह हैं मंगल के. अगर हम बात करें हमारे मरकरी और वीनस का, तो मरकरी और वीनस ऐसे दो प्लेनेट हैं जिनके अपने कोई सैटेलाइट, अपने कोई उपग्रह नहीं है. हमारी अर्थ का अपना एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? मून, ठीक है. माउंट ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 times बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से 3 times बड़ा है माउंट ओलंपिया, वो भी आपको मंगल ग्रह पर देखने को मिलेगा, ठीक है.
इसके पहले अमेरिका ने भी प्रिजर्वेंस यहाँ पर भेजा था, ठीक है? बताए आंसर, ऑप्शन बी कह रहा है मैक्सिमम लोग, और सही बात है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यूरोंग जो है वो चाइना के पहले मंगल रोवर का नाम है, तो चाइना हैज़ नेम्ड इज़ द फर्स्ट एवर मार्स रोवर ज्यूरोंग, ठीक है? अच्छा, ये जो है वो फायर गॉड, अग्नि देवता के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रिवील्ड द नेम ऑफ द सिक्स चाइना स्पेस डे हेल्ड इन द नेजिंग, द चाइनीज नेम ऑफ द मार्स। तो मंगल ग्रह को चाइनीज भाषा में क्या कहते हैं? तो हॉकिंग कहते हैं, यूकिंग्स कहते हैं, यूकोंग कहते हैं, इसका मतलब होता है फायर स्टार। अच्छा, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, यहाँ की करेंसी युआन भी चलती है और रेनमिनबी भी चलती है। सी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। सबसे बड़ी नदी जो है चाइना की वो यांगतेज रिवर है, येलो रिवर, पीली नदी। येलो रिवर को चाइना का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ द चाइना जो है येलो रिवर को कहते हैं। गोबी डेजर्ट जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो भी चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। चाइना का एक मिलिट्री बेस जो है वो जिबूती अफ्रीका में है, और चाइना के द्वारा एक पोर्ट भी डेवलप किया गया है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है? चाइना के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, चाइना के द्वारा जो श्रीलंका है वहाँ पर एक लोटस टावर भी बनाया गया था, तो लोटस टावर जो है एशिया का सबसे बड़ा टावर हो जाएगा जो कि श्रीलंका में है। अच्छा, श्रीलंका में हम्बनकोट्टा पोर्ट भी है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है? पेंगोंग लेक जो है वो चाइना और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड है। पेंगोंग लेक जो है वो रामसर साइट का भी हिस्सा है, और भारत में 42 जो है वो रामसर साइट है। भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद, यहाँ से याद रखनी है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ द महाराष्ट्र बैंक बेस्ड ब्लैंक बैंक ड्यू टू द इनएडिक्वेट कैपिटल। आरबीआई के द्वारा किस महाराष्ट्र बेस्ड बैंक का अभी हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? अगर आपने पुराने करेंट अफेयर्स देखे होंगे तो इसका आंसर आप फटाफट दे देंगे। चलो आंसर कर दो। गौरी शर्मा जी, पढ़ते पढ़ते याद होता है, कोई इसके लिए ट्रिक नहीं होती है, बस पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें याद हो जाती हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं वैसे। और हाँ, एक बार एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि बारूद, तम्बाकू, रेशम, इन सब का सबसे पहले उत्पादन किसने किया या कहाँ से इनका जन्म हुआ, तो वो आंसर है आपका चाइना। तंबाकू, बारूद, सॉरी बारूद हो गया, रेशम हो गया, ये सब कहाँ से आए हैं, कागज, ये सब कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं। चलो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भागोदय फ्रंट अर्बन कॉरपोरेशन कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, सत्यम, रिंकी, रविचंद्रन जी, सचिन, बिल्कुल सही आंसर है निधि। अगला प्रश्न, मतलब अगली हम अपनी न्यूज़ देख लेते हैं। एक बार लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को अंत तक देखना, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, ठीक है? चलो, तो पहली न्यूज़ समझते हैं। इंडिया ज्वाइन रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर द मिसिंग इंडोनेशिया सबमरीन KRI नंगाला 402। देखिएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो कि हमारा इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में फैला हुआ हमारा सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री है वो इंडोनेशिया है। साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जनसंख्या के आधार पे इंडोनेशिया जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। तो इंडोनेशिया का एक सबमरीन था जो कि एक जहाँ पे 53 मेंबर्स, क्रू मेंबर्स थे, जो कि 4 दिनों से गायब था, मिसिंग था, तो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत को इन्वाइट किया गया था। तो भारत ने इंडोनेशिया के जो KRI नंगाला जो 402 जहाज़ था उसको ढूंढने में मदद की है, ठीक है? विशाखापट्टनम से ये गायब हो गया था, मिसिंग हो गया था। अब इंडोनेशिया की बात करते हैं, तो इंडोनेशिया में एक लेक मिलती है जिसका नाम है टोबा लेक, ठीक है? इंडोनेशिया के मैं आपको क्राकाताओ और मेरापी जो कि एक्टिव वॉल्केनो है वो भी इंडोनेशिया में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो जोको विडोडो हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। साथ ही साथ इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया है। तो इतनी बातें आपको इंडोनेशिया के बारे में भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल राहुल जी, हाईएस्ट मुस्लिम कंट्री, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया में ही स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, मैनचेस्टर सिटी वॉन लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट। तो लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट को किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। लगातार ये 4 बार
जीती है इसने लिवरपूल, लिवरपूल जो कि एक फुटबॉल क्लब है, तो लिवरपूल भी 4 बार लगातार जीता था, उसके रिकॉर्ड को इसने मैच कर लिया है मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी वॉन द लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट, तो लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लगातार 4 बार जीतने वाली सिटी कौन सी है, तो मैनचेस्टर सिटी है। इसने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो लिवरपूल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अच्छा, ये सब कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा था, तो बैम्बर्ले में ये कार्यक्रम हो रहा था। अगली बात करते हैं यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म जल्दी से फटाफट लिख दो। यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं डेविड बेकहम को। डेविड बेकहम जो है वो एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं। डेविड बेकहम, इनको हाल ही में ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, टीकाकरण अभियान के लिए। ठीक है, टीकाकरण अभियान के लिए कि लोगों को अवेयर करो कि COVID-19 के वैक्सीनेशन आपको लेना है। अच्छा, आज 28 अप्रैल है और आज से आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है कि 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो 1 मई से आप लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरिटा एच फोर है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता देंगे, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता देंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वेरी गुड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है इसका हेड ऑफ अपना फुल फॉर्म है, जिसके गुड विल ब्रांड एम्बेसडर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बनाए गए हैं डेविड बेकहम। पूछा जा सकता है कि डेविड बेकहम का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। प्रीतम जी, मैंने इसके पहले ऑस्कर अवार्ड का न्यूज़ कल डिस्कस कर लिया है, ऑस्कर अवार्ड किस किस को दिए गए हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, हाल ही में एक और इंडेक्स जारी किया गया है, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। अच्छा, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं कि कौन से देश में किस तरीके से सुशासन चलता है, गवर्नेंस चलती है। तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हम 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को जारी किया गया है, CGGI इंडेक्स, जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग कितनी आई है, 49 नंबर की भारत की रैंकिंग आई है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी और इस इंडेक्स की बात करें तो किन किन आधारों पे इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो CGGI जो है वो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा सिंगापुर जिसका हेड क्वार्टर है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इसमें 104 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इसके 7 पिलर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है कि वहाँ की लीडरशिप कौन कैसी है, उस कंट्री की लॉ कैसे हैं, पॉलिसी कैसी है, इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, फाइनेंशियल सेटअप कैसा है, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, तो इन सारी बातों पर हमारे वहाँ के लोगों का लेवल कैसा है, पीपल का राइज लेवल कैसा है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चैटलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा CGGI रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई है, 49 नंबर की भारत की रैंकिंग आई है। ठीक है, सुशासन दिवस, बिल्कुल सचिन तिवारी जी, सुशासन दिवस, तो वही गुड गवर्नेंस, सुशासन कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, पॉलिसी कैसे बना रही है, लॉ कैसे है, वहाँ के लोगों के वेलफेयर का काम क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। 49th रैंक आई है भारत की, फिनलैंड जो है वो 1st नंबर पे आया है। अगली बात कर लेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश वॉन ई पंचायत पुरस्कार 2021। तो ई पंचायत पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, तो ई पंचायत पुरस्कार रैंकिंग 1st अंडर कैटेगरी नंबर 1, इसको दिया गया है किसे, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के बाद 2nd नंबर का अवार्ड दिया गया है ई पंचायत में असम को, और 3rd नंबर पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है, 1st नंबर पे उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ है, 2nd नंबर पे उड़ीसा और तमिलनाडु, मतलब उड़ीसा है, और 3rd नंबर पे तमिलनाडु को ई पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है ना, किस तरीके से आपकी पंचायत काम कर रही है, कितने लोग डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटलाइजेशन में काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ को, उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु को दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको सूरजपुर वेटलैंड मिल जाएगा, सूर सरोवर हाल ही में न्यूज़ में था, सूर सरोवर आगरा में है और जिसको भारत में रामसर साइट बनाई गई है, तो ये भी करंट अफेयर्स ही है। तो करंट अफेयर्स के अंदर करंट अफेयर्स है, तो 42 रामसर साइट हो चुकी हैं। अच्छा, वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी को हर साल हम वेटलैंड डे मतलब आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है, रामसर कन्वेक्शन कब हुआ था? तो 1971 में रामसर कन्वेक्शन हुआ था, दलदली भूमि दिवस। अच्छा, दलदली जमीन जो होती है, जो वेटलैंड होते हैं, उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो हमारी जो वेटलैंड होती है, दलदली जमीन होती है, उनसे CH4 मतलब मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। गंगा, यमुना, बेतवा, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो यहाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर एक रिजर्वायर है, जो कि सबसे बड़ा रिजर्वायर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद नदी पर काम करता है, कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर काम करता है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। महेश्वरी जी रामसर साइट क्या होती है? तो जो दलदली ज़मीन होती है, जो वेटलैंड्स होते हैं, उनको ही रामसर साइट कहते हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेक्शन हुआ था 1971 में इराक में। अगले न्यूज़ देख लेते हैं। अरुण, देखो एक अरुण वो SSB वाले थे और ये दूसरे अरुण हैं, ठीक है। अरुण रास्ते अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड द CEO ऑफ NCDEX। अभी NCDEX क्या होता है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड द डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं अरुण रास्ते को। तो अरुण रास्ते को अपॉइंट किया गया है NCDEX का। इसको कंट्रोल कौन करता है? सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक कंट्रोल करती है। विजय कुमार की जगह इन्होंने ली है, और इनका टेन्योर जो रहने वाला है वो 5 साल के लिए रहने वाला है। सेबी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में स्थित है। सेबी साथ ही साथ आपके कैपिटल मार्केट मतलब आपके शेयर मार्केट को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आइए थोड़ी सी बात अरुण रास्ते के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसके पहले वर्क कर रहे थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसके पहले ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में काम कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने IDFC बैंक में भी काम किया है, कोटिंग महिंद्रा बैंक, नबार्ड, ACC सीमेंट के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया है। इसके पहले इन्होंने इसमें भी काम किया है। अगर हम नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड की बात करें, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अच्छा, ईरान, मैंने इराक बोल दिया था क्या? ठीक है, पहला 1971 में ईरान में हुआ था, और ईरान में चाबहार पोर्ट भी है। ईरान में जो है वो चाबहार पोर्ट भी है। सेबी के हेड अमिताभ कांत कह रहे हैं। चलिए अगली बात कर लेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो रही है। वाजपेयी नीज एंड द एक्स MP करुणा शुक्ला डाइज ऑफ COVID-19। तो करुणा शुक्ला, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो थी, ये क्या थी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, MP थी। तो देख लेते हैं कहाँ से MP थी। तो पहले तो ये बात कर लेते, पहले ये कांग्रेस की मेंबर थी और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को रिज़ाइन कर सॉरी पहले ये BJP की मेंबर थी, BJP को रिज़ाइन करके इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये मेंबर थी 14th नंबर की लोकसभा में, कहाँ से? जंजगीर चंपाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से जो है वो ये लोकसभा की मेंबर थी, ठीक है। साथ ही साथ ये उसके पहले BJP में शामिल थी, 2014 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए, और उसके बाद इन्होंने बिलासपुर से जो है वो लोकसभा के इलेक्शन लड़े थे। तो वाजपेयी जी की ये नीज भी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, करुणा शुक्ला। तो करुणा शुक्ला का नाम याद रखेंगे, बिल्कुल। अजय त्यागी, सेबी के जो हेड है वो अजय त्यागी हैं, बिल्कुल। मैं यही कह रही थी, अच्छा मैंने बात छोड़ दी थी, किसी ने लिखा था अमिताभ कांत है, तो मैं वही बताने वाली थी कि अमिताभ कांत नीति आयोग से संबंधित हैं, अजय त्यागी का संबंध जो है वो सेबी से, और वो बात वहीं पर छूट गई थी, बिल्कुल। करुणा शुक्ला INC कांग्रेस से रिलेटेड है, इसके पहले वो BJP में शामिल थी, ठीक है। अच्छा, मेरी बात आधी रह गई थी, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर है। इसके अलावा एक और ट्रिब्यूट याद रखेंगे, सीनियर कांग्रेस लीडर MSR का मतलब क्या होता है? M सत्यनारायण राव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये 1969 से 1971 में तेलंगाना के मूवमेंट में शामिल थे, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, कौन? M सत्यनारायण राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कांग्रेस के लीडर हैं, तेलंगाना के सपोर्टर हैं। इनको MSR के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ चेयरपर्सन ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन के रूप में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे, सत्येंद्र नारायण राव। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, टू डंग ईटिंग बीटल स्पीसीज डिस्कवर फ्रॉम द महाराष्ट्र। ये जो बीटल मतलब झिंगोर होते हैं,
ठीक है ना, क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो गाय का गोबर खाने वाले दो बीटल स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है महाराष्ट्र में। अब इनके नाम थोड़े से अजीब हैं, नाम देखेंगे क्या नाम है इनका। बोल्बो कैरस बोप देवनीज, एक ये नाम है, पुणे में डिस्कवर किया गया है भोपदेव घाट में। और दूसरा है बोल्बो कैरस ट्रिमकेनिस, त्रिंबका केनिस, ये जो डिस्कवर किया है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक में डिस्कवर किया है। तो ये दो न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है बीटल की, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये शोधकर्ताओं के नाम क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया है? तो रिसर्चर का नाम है अर्पना, अर्पना कालावते, इन्होंने, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करती है वेस्टर्न रीजन में, अलॉन्ग विद अ जनरल जर्मन जर्मन व्यक्ति है ऑलिव हिटलर, इन दोनों के दोनों ने मिलके इन दो स्पीसीज को फाउंड किया है नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में, और पुणे के भोपदेव घाट में। आपका ये जो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न घाट कहलाता है, और वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो हॉट स्पॉट है वो हम वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट को कहते हैं। यहाँ पर आपको नीलगिरी माउंटेन भी मिलेंगे, अन्ना मोड़ी अन्ना मलाई भी मिलेगी, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलेगा। साथ ही साथ केरला में आपको जो है वो साइलेंट वैली भी मिलेगी। केरला में क्या मिलेगी आपको? साइलेंट वैली भी मिलेगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगली बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल हितेश जी, अब क्या क्या ही सर्च किया जा रहा है, अब क्या ही करें, अगली देखेंगे न्यूज़ हम। अच्छा, ये न्यूज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसको वापस इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं नाम बताना भूल गई थी आपको। इंडिया बैग 11 मेडल टॉप मेडल टैली एट द 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो देखिएगा, भारत ने 11 मेडल हासिल किए हैं, 8 जिसमें गोल्ड मेडल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है AIBA यूथ मेंस एंड द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? पोलैंड में हुई थी, 10 से लेकर 24 अप्रैल के बीच में पोलैंड में ये इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडिया ने क्या किया है, टॉप किया है पूरे मेडल में। कितने मेडल मिले हैं इंडिया को? 11 मेडल मिले हैं, जिसमें से 8 मेडल जो है वो गोल्ड के हैं। अच्छा, दूसरा नंबर किसका है? रशिया का है, और तीसरा नंबर जो है वो उज्बेकिस्तान का है। दूसरा नंबर किसका है? रशिया का है, और तीसरा नंबर जो है वो उज्बेकिस्तान का है। इस पूरे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टोटल 414 बॉक्सर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम बताना भूल गई थी, तो थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। सचिन, गीतिका, फिर नारोम चानू, पूनम, विनिका, अरुंधति चौधरी, टोकशोम चानू, अल्फिया पठान, विश्वमित्रा, अंकित नरवाल और विशाल गुप्ता। तो एक बार इनको पढ़ लीजिए, एक दो बार नाम देख लीजिएगा। तो ये सभी जो हैं वो बॉक्सर हैं, और ये गोल्ड वाले बॉक्सर थोड़ा सा याद रख लेंगे, इनके नाम देख लेंगे कि इन सब का संबंध किससे है, बॉक्सर। जैसे कि चानू तो याद रह जाएंगे, चानू सरनेम वाले हैं जनरली, वो बॉक्सर ही हैं, मीराबाई चानू, ठीक है, नॉर नेम नाव रेम चानू, टॉक शोम चानू, तो ये जो चानू वाले हैं तो बॉक्सर हैं, और दो तीन नाम और हैं जिनको याद रख लेगा। ये सभी, इन सब का संबंध कहाँ से है? बॉक्सिंग से है। अच्छा, अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, बिल्कुल निधि जी, उज्बेकिस्तान, राजकुमार जी, उज्बेकिस्तान थर्ड नंबर पे, सेकंड पे रशिया है, और फर्स्ट नंबर पे जो है वो आपका इंडिया है। अच्छा चलो, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ICC बैंड UAE क्वादिर फ्रॉम क्रिकेट फॉर द 5 ईयर ड्यू टू द करप्शन। तो अप्रैल के महीने में 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यूनाइटेड अरब अमीरात के एक क्रिकेटर हैं क्वादिर अहमद खान, इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है एंटी करप्शन कोड के अंतर्गत। ठीक है, इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो पूछा जाएगा क्वादिर अहमद खान का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर है। किस देश के खिलाड़ी है? तो UAE के खिलाड़ी हैं। इनको कितने सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल अभिषेक जायसवाल जी, चानू इज इक्वल टू बॉक्सर, आप ऐसा याद रख सकते हैं, वेरी गुड। दुबई में इसका हेड ऑफिस है, 1909 में इसका फॉर्मेशन हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, चलो अगली बात यहाँ पे हम कर लेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में देना है, अंत में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, पहला, रिगार्डिंग एकेडमिक अवार्ड 2021, हु इज़ द ओल्डेस्ट बेस्ट एक्टर विनर। अभी हाल ही में 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, ठीक
ठीक है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। तो सबसे ओल्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता कौन है? चलो आंसर बताएंगे। चलो आंसर बताएंगे इस प्रश्न का। तो बिल्कुल, हमने कल ही डिस्कस किए थे अपने सारे ऑस्कर अवार्ड, फादर मूवी, द फादर मूवी के लिए एंटोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। 83 ईयर ओल्ड है ये, मतलब ओल्डेस्ट व्यक्ति हैं। ठीक है, तो एंटोनी हॉपकिंस बिल्कुल सही नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर। When will CGI N.B. Ramanna retire? तो आपको पता है हमारे 48 नंबर के जो CGI बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, वो N.B. Ramanna बन गए हैं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं वो 5 साल के लिए, मतलब 5 साल या फिर 65 ईयर्स, 65 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब हो सकता है N.B. Ramanna की एज ऑलरेडी ज़्यादा हो, तो जल्दी रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। तो कब रिटायरमेंट हो जाएगा इनका? 26 अगस्त 2022, 26 अगस्त 2024, 13 मई 2023 या 26 मई 2022? चलिए अभिषेक जी, बिल्कुल सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। नमता जी, मैंने आपको बताया हर चीज़ याद नहीं रखनी है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक दो बार और पूरे करंट अफेयर्स को आप देखोगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल 26 अगस्त 26 मई 2022 तो एकदम सही है, 2022 में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। 26 अगस्त 2022 को सी वी Ramanna का रिटायरमेंट हो जाएगा। अगला है, भानु अथैया वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑस्कर अवार्ड जो 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड हुए, उसमें भानु अथैया और इरफान खान को मेमोरी, मतलब याद किया गया। अब भानु अथैया भारत की पहली महिला है जिनको गांधी मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अब इनको ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया? 1982 में, 1981 में, 1985 में या 1980 में? चलो अब आंसर कर दो। भानु अथैया का नाम याद रखेंगे, पहली भारतीय जिनको ऑस्कर सम्मान दिया गया। बिल्कुल ठोको लाइक सभी लोग, सुशील जी कह रहे हैं, सुशील जी की बात मना नहीं करते। 1981 कह रहे हैं हितेश जी, सत्यम कह रहे हैं ऑप्शन ए, विकास कह रहे हैं ऑप्शन बी, अनिकेत कह रहे हैं 1982, मतलब ऑप्शन ए। सभी लोग अलग अलग, 1982 1982, बिल्कुल सही आंसर है 1982। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द पंडित राजन मिश्रा अवार्डेड पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है वो भारत का थर्ड नंबर का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो पंडित राजन मिश्रा जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं, इनको कब पद्म भूषण सम्मान दिया गया? 2003, 2005, 2007 या 2009? तो देखिए किस तरीके से करेंट अफेयर्स से हम स्टैटिक बना सकते हैं, है कि नहीं? और इसी तरीके से एग्जाम में भी प्रश्न आपको बनाए जाते हैं करेंट अफेयर्स से स्टैटिक, क्योंकि पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया तो ये करेंट अफेयर्स हो गया, अब इनको पद्म भूषण कब मिला ये स्टैटिक हो गया, इसी तरीके से आपको बातें करनी है। तो राहुल कुमार का आंसर आ गया है 2007। केशव जी बिल्कुल सही बात है, 2007, वेरी गुड, 2007 अभी देखा था हमने। अगला है, व्हेन वाज द एनपीसीआई, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की स्थापना कब की गई थी? ये सारी जो डिजिटल हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाली बॉडीज़ होती है ना, जैसे कि भीम एप्लीकेशन हो गया, जितने भी नए एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम जो है वो NPCI करती है। 2006, 2008, 2010 या फिर 2012 आंसर करेंगे? चलो फटाफट आंसर करो। मनमीत प्रसाद जी का आंसर आया है ऑप्शन बी। रश्मि कह रही है 2008। शिवम तिवारी गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट मॉर्निंग हो गई है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2008। 2008 में NPCI की स्थापना की गई थी, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज लॉन्च्ड इन। सबसे पहले जो ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो कब लॉन्च किया गया था? 1992 में, 1996 में, 1994 में या 1998 में? अच्छा, अब ये करेंट अफेयर्स कैसे हुआ? तो कल की न्यूज़ आपने देखी होगी, कल का करेंट अफेयर्स आपको मैंने पढ़ाया था कि रशिया जो है वो अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, वो अपना नया स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली है। तो इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में आ गई कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बनाया गया या कब लॉन्च किया गया, आंसर करो। कपिल जी कह रहे हैं 1994 में, हितेश कह रहे हैं 1994, नीलू जी आपका आंसर तो अपने तराइन का बैटल बता दिया 1192 बैटल ऑफ तराइन। लिटिल बंधु वधु जी, जो है हमारा ये डेली का क्लास सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक चलता है, 1 घंटे का क्लास होता है।
बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 1998, 1998 में पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था। चलो अगली बात कर लेते हैं, व्हेन वाज द मार्स एक्सप्लोजन प्रोग्राम लॉन्च। तो देखो मंगल ग्रह पे अमेरिका ने मतलब नासा एजेंसी ने भी प्रिजर्वेंस भेजा, और अभी अभी चाइना ने भी बोला है कि वो अपना मार्स में रोवर भेजेगा। तो अपन को ये जान लेना चाहिए कि मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम मतलब मार्स पे R&D करने का काम, मार्स को एक्सप्लोर करने का जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, 1995 में, 1993 में, 1991 में, या 1989 में। तो देखो ये भी आपका करेंट अफेयर्स और करेंट से क्या बन गया, स्टैटिक बन गया। तो अब आंसर बता दो। चलिए आंसर बता दो, 1995, 1993, 1991 या 1989। शिवम जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दो। शिवम बात मान लेंगे आपकी, और कोई कुछ कहना चाहेगा, 1993। चलो तो सही आंसर है 1993, 1993, 1993 में मार्स एक्सप्लोजन प्रोग्राम को शुरू किया गया था। भारत ने भी मॉम मिशन लॉन्च किया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन से साल, कौन से ईयर भारत के द्वारा मॉम मिशन लॉन्च किया गया था। मॉम मिशन, मास ऑर्बिटल मिशन, मॉम मिशन भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पे अक्षय कुमार की, विद्या बालन की एक मूवी भी है मॉम। बताएं मॉम मिशन कब लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ द माउई डॉल्फिन। मॉई डॉल्फिन का IUCN की लिस्ट में क्या स्टेटस है, इंडेंजर में आती है, क्रिटिकली इंडेंजर में आती है, वल्नरेबल में आती है, या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल मॉम 2013, वेरी गुड, मॉम 2013 में गया था, बिल्कुल सही बात है 2013। और ये जो हमारी माउंट डॉल्फिन है ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ज़रा अच्छे से पढ़िएगा और आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, नहीं कमेंट सेक्शन में, और जिन लोगों का आंसर होगा उनके नाम को हम शामिल करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में। जाने से पहले लिंक को शेयर कर देंगे, और एक बार लाइक बटन पर क्लिक करना तो बनता है। जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब देखो आपको पता है 93 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं वो बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड गया है नोमैडलैंड को, और नोमैडलैंड के जो डायरेक्टर हैं वो है चैलो जाओ, जो कि चाइना से रिलेटेड है। बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, इन वॉट वेज इज शी ऑल्सो मेकिंग हिस्ट्री। तो पहले तो हिस्ट्री इनकी यही है कि पहली चाइनीज वीमेन डायरेक्टर हैं जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा इन्होंने किस और क्षेत्र में हिस्ट्री बनाई है, तो ऑप्शन आपको A, B, C और D चार ऑप्शन दिख रहे हैं। द फर्स्ट वीमेन टू डायरेक्ट द बेस्ट एक्ट्रेस इन द बेस्ट पिक्चर नॉमिनी, फ्रांसिस मैकडोनल्ड। द फर्स्ट वीमेन ऑफ द कॉलर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर। द फर्स्ट फीमेल फिल्म मेकर टू रिसीव 4 नॉमिनेशन इन द सिंगल ईयर, बोथ C और D। तो जो भी स्टेटमेंट सही है आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके की कुछ और जानकारी के साथ कल की क्लास में। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, अप्रैल महीने के लास्ट में हम पूरे अप्रैल महीने का एक साथ करेंट अफेयर्स को एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे और जाते जाते लाइक बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे देश दुनिया की कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, एंड बाय बाय।